तो भैया इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। और ग्लाइकोजन क्या है साथियों, हमारे शरीर का स्टोर फूड है, यानी कि संचित भोजन है। अभी कहाँ जाकर के स्टोर होता है, तो भैया लीवर इसको स्टोर करता है। अगर लीवर के बाद में भी साथियों जो एडिपोज टिश्यू होता है उसमें जाकर के स्टोर हो जाता है, या फिर और बहुत सारे प्रकार के टिश्यू होते हैं साथियों उनमें जाकर के स्टोर होता है। जो एडिपोज टिश्यू है इसे हिंदी में वसीय ऊतक कहा जाता है साथियों, ये वसा को स्टोर करता है, लेकिन आपातकालीन स्थिति में साथियों इस ग्लाइकोजन को भी स्टोर कर लेता है। ये ग्लाइकोजन क्या है, स्टोर फूड है, संचित भोजन है, जंतुओं का संचित भोज्य पदार्थ कहलाता है साथियों ग्लूकोज। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जंतुओं का संचित भोज्य पदार्थ कौन सा है, तो ग्लाइकोजन है। पादपों का संचित भोज्य पदार्थ कौन सा है, तो स्टार्च या मंड है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो भैया हम पढ़ रहे थे एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम हिंदी में कहा जाता है साथियों अंतःस्रावी तंत्र। लास्ट क्लास में साथियों हमने किसके बारे में पढ़ा था, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था भैया पीनियल ग्लैंड और साथियों थाइमस ग्लैंड के बारे में। गाइज आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पेंक्रियाज ग्लैंड के बारे में, यानी कि अग्नाशय ग्रंथि के बारे में। तो भैया सबसे पहले आप हेडिंग लगा लीजिए पेंक्रियाज। पेंक्रियाज ग्लैंड यानी कि अग्नाशय ग्रंथि। गाइज आप कोई सी भी प्रतियोगी परीक्षा दे लेना, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में साथियों अग्नाशय से चाहे एक ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए साथियों, लेकिन एकन एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। गाइज सबसे पहले हम बात करते हैं साथियों कि हमारी जो अग्नाशय ग्रंथि होती है वो भैया हमारे शरीर में कहाँ होती है, इसकी लोकेशन क्या है। तो मेरे मित्र याद रखना, इसकी जो लोकेशन होती है साथियों वो होती है भैया आपके एब्डोमिनल कैविटी में, एब्डोमिनल कैविटी में यानी कि उदर गुहा में, उदर गुहा में साथियों आपका पेंक्रियाज उपस्थित होता है, आपकी अग्नाशय ग्रंथि उपस्थित होती है। अब भैया हमें समझ में नहीं आया कि क्या है एब्डोमिनल कैविटी। देखिए आपका चेस्ट वाला पार्ट जहां पर खत्म होता है और पेट वाला भाग जहां से स्टार्ट होता है, जो पेट वाला भाग है साथियों उदर का मतलब ही पेट होता है, यानी कि पेट वाला भाग है साथियों उसे ही कहा जाता है एब्डोमिनल कैविटी। आपकी जो छोटी आंत होती है ना साथियों कुछ इस तरीके से होती है, इस छोटी आंत से पेड़ के पत्ते के समान एक संरचना दिखाई देती है साथियों, इस संरचना को ही क्या कहा जाता है, इस संरचना को ही भैया पेंक्रियाज कहा जाता है। तो ये आपके एब्डोमिनल कैविटी में उपस्थित होती है, इतनी बात क्लियर है। ओके दूसरी बात करें भैया तो अग्नाशय ग्रंथि एक मिश्रित ग्रंथि है, एक मिक्स्ड ग्लैंड है, एक मिश्रित ग्रंथि है। अब मैंने आपको साथियों जब पहला लेक्चर पढ़ाया था इस टॉपिक का, तो मैंने आपको बताया था साथियों कि मिश्रित ग्रंथि ऐसी ग्रंथि होती है जो साथियों जूस भी बनाती है, जो जूस भी बनाए, एंजाइम भी बनाए और भैया हार्मोन भी बनाए। याद रखना मेरे दोस्त, अग्नाशय जो ग्रंथि है भैया ये जूस भी बनाती है, एंजाइम भी बनाती है और हार्मोन भी बनाती है। बोलो इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं आई। यह मिश्रित ग्रंथि जो होती है साथियों ये अंतःस्रावी ग्रंथि और भैया बहिःस्रावी ग्रंथि दोनों की तरह व्यवहार करती है। आप सभी को पता है कि जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है साथियों वो हार्मोन का निर्माण करती है, जो बहिःस्रावी ग्रंथि होती है वो जूस और एंजाइम का निर्माण करती है। इतनी बात क्लियर है। अब बात करते हैं साथियों इसकी संरचना की, किसकी संरचना कैसे होती है। तो मैंने आपको बताया ना कि इसकी संरचना पेड़ के पत्ते के समान होती है, पेड़ के पत्ते के समान होती है। छोटी आंत से जुड़ा हुआ होता है साथियों ये पेंक्रियाज, इसकी संरचना पेड़ के पत्ते के समान होती है। बात क्लियर है। इसका बाहर की बात करूं भैया तो इसका बाहर होता है 60 से लगभग में 100 ग्राम साथियों इसका बाहर होता है। ऐसा कहा जाता है साथियों मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है साथियों पेंक्रियाज, यानी कि अग्नाशय ग्रंथि।
और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है साथियों? लीवर है। तो आप ये बात भी लिख सकते हो कि भैया मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, मानव शरीर की, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है भैया? मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि आपकी अग्नाशय ग्रंथि है। बोलो, इतनी बात समझ में आई आपको? ओके। अगर मैं आपसे पूछूं साथियों कि इस ग्रंथि की खोज किसने की थी, इस ग्रंथि की खोज किसने की, तो भैया एक वैज्ञानिक है, लैंगरहैंस। लैंगरहैंस नामक एक वैज्ञानिक था साथियों। इस लैंगरहैंस ने भैया इस अग्नाशय ग्रंथि की खोज की थी। देखिए हमने क्या क्या सीखा। अग्नाशय ग्रंथि साथियों मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है साथियों लीवर। इतनी बात क्लियर है। खापर होती है साथियों, इसकी लोकेशन क्या है? तो एब्डोमिनल कैविटी में, उधर गुहा में। गुहा होती है साथियों खाली जगह, आपके पेट वाले भाग में जो खाली जगह है साथियों वहां पर होता है ये आपका पेंक्रियाज यानी कि एब्डोमिनल कैविटी। सीने वाला, चेस्ट वाला, जहां से पार्ट खत्म हो जाता है साथियों वहां से स्टार्ट होता है ये एब्डोमिनल कैविटी वाला भाग। इतनी बात क्लियर। छोटी आंत से जुड़ा हुआ होता है, पेड़ के पत्ते के समान इसकी संरचना होती है। इसका भार होता है 60 से 100 ग्राम। इसकी खोज की थी साथियों लैंगरहैंस नामक वैज्ञानिक ने। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से अग्नाशय है, अंतःस्रावी ग्रंथि है या बहिःस्रावी ग्रंथि है या मिश्रित ग्रंथि है? तो याद रखना मेरे दोस्त, पेंक्रिया जो होता है वो भैया एक मिश्रित ग्रंथि है, क्योंकि ये जूस का भी निर्माण करती है, एंजाइम का भी निर्माण करती है और हार्मोन का भी निर्माण करती है। ऐसी ग्रंथि साथियों जो हार्मोन का निर्माण करे वो ग्रंथि होती है भैया अंतःस्रावी ग्रंथि, और ऐसी ग्रंथि जो जूस और एंजाइम दोनों का निर्माण करे वो होती है भैया बहिःस्रावी ग्रंथि, और जो इन तीनों का निर्माण करती है साथियों वो होती है भैया मिश्रित ग्रंथि। तो इतनी बात समझ में आ गई। एक बात का याद रखना दोस्तों, जो अग्नाशय ग्रंथि होती है, इस अग्नाशय ग्रंथि में विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का समूह पाया जाता है, और उन कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहा जाता है। ये लैंगरहैंस ने इसकी खोज की थी, तो लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहा जाता है। विभिन्न प्रकार की कोशिका पाई जाती है साथियों आपके अग्नाशय में। बात क्लियर है साथियों। वो कोशिकाएं कौन कौन सी है तो याद रखना, एक है एल्फा सेल, इन कोशिकाओं के समूह पाए जाते हैं। एक है बीटा सेल, एक है साथियों डेल्टा सेल। ये तीनों कोशिकाएं साथियों, इन तीनों कोशिकाओं की बात करें तो ये कोशिका होती है साथियों 1 से 2 मिलियन, 1 से 2 मिलियन। 1 मिलियन में साथियों 10 लाख होता है, यानी कि 2 मिलियन में 20 लाख हो गए, लगभग 20 लाख के आसपास साथियों ये कोशिकाएं पाई जाती है। ठीक है, एक कोशिका और होती है साथियों एफ सेल। जो एफ सेल होती है भैया ये पेंक्रियाटिक जूस का निर्माण करती है, पेंक्रियाटिक जूस का निर्माण करती है, यानी कि अग्नाशय रस का निर्माण करती है, अग्नाशय रस का। और साथियों याद रखना, पेंक्रिया जो होता है वो अग्नाशय रस 1 दिन में 1 लीटर बनाता है, 1 लीटर प्रतिदिन। और इसी पेंक्रियाटिक जूस में साथियों आपके एंजाइम होते हैं। ठीक है, और एल्फा बीटा और जो डेल्टा सेल है साथियों ये हार्मोन का निर्माण करती है। किसका? हार्मोन का। याद रखना 1 से 2 मिलियन जो ये कोशिकाएं हैं एल्फा बीटा डेल्टा, इनमें साथियों सबसे ज्यादा मात्रा में ये बीटा सेल पाई जाती है, और ये बीटा सेल कितनी होती है? लगभग 1.25 मिलियन होती है साथियों। कितनी होती है भैया? लगभग में 1.25 मिलियन होती है। तो मैंने आपको यही तो बताया था कि जो अग्नाशय ग्रंथि है साथियों ये भैया हार्मोन का भी निर्माण करती है, जूस का भी निर्माण करती है और एंजाइम का भी निर्माण करती है। मैंने आपको यही तो बताया था। और ऐसी ग्रंथि साथियों जो जूस का भी निर्माण करे, एंजाइम का भी निर्माण करे और हार्मोन का भी निर्माण करे, वह ग्रंथि होती है मिश्रित ग्रंथि। तो अब आपको समझ में आ गया होगा साथियों कि भैया किस तरीके से ये जो ग्रंथियां होती है, ये अग्नाशय ग्रंथि है, ये जूस का, हार्मोन का और एंजाइम का निर्माण करती है। याद रखना ये जो कोशिकाएं होती है साथियों ये 1 से 2 मिलियन की संख्या में होती है, 1 से 2 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होता है। इन सभी कोशिकाओं में से साथियों जो बीटा कोशिका है ये लगभग साथियों सर्वाधिक मात्रा में होती है, 1 से
सौ, कहने का मतलब अपन कह सकते हैं कि 125,000 के आसपास होती है। इतनी बात क्लियर है। पूरा जो अग्नाशय होता है साथियों, उस अग्नाशय के सिर्फ 2% भाग में, उस अग्नाशय के सिर्फ 2% भाग में आपकी ये कोशिकाएं होती है। इतनी बात क्लियर है। अब साथियों इस चैप्टर में, यानी कि अंतःस्रावी तंत्र वाले चैप्टर में, हम अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ते हैं, आप सभी को पता है। और अंतःस्रावी ग्रंथि वह ग्रंथि होती है जो हार्मोन बनाती है। तो भैया हार्मोन बनाने वाली इन तीन कोशिकाओं के बारे में हम पढ़ेंगे, एल्फा सेल के बारे में, बीटा सेल के बारे में और डेल्टा सेल के बारे में। इससे कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं या कौन कौन से हार्मोन बनते हैं, उन हार्मोन का कार्य क्या है, और अगर उन हार्मोन की कमी होगी या अधिकता होगी साथियों तो आपको कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है, इस चैप्टर में साथियों हम इन सभी के बारे में पढ़ेंगे और यही आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रही बात साथियों एफ सेल की, ये पेंक्रियाटिक जूस बनाती है, यानी कि अग्नाशय रस बनाती है, अग्नाशय रस में एंजाइम पाए जाते हैं। तो साथियों इस एफ सेल को हम पाचन तंत्र वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। अग्नाशय रस का कार्य क्या है साथियों, इससे कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं, वो हम पाचन तंत्र वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, क्योंकि पाचन जो रस होता है और जो एंजाइम होते हैं ये भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। इतनी बात क्लियर है। तो इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, इन तीन कोशिकाओं के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ साथियों कि ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई, आई हो तो लाइक कर दीजिए साथियों, नहीं आई हो तो कोई बात नहीं, एक बार और रिवीजन कराएंगे, लेकिन आपको बात अच्छे से समझ में आनी चाहिए। देखिए हम पढ़ रहे हैं साथियों अग्नाशय ग्रंथि के बारे में। अग्नाशय जो ग्रंथि होती है मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि साथियों लीवर होती है। अब बात आती है साथियों कि ये अग्नाशय ग्रंथि होती कहाँ है, तो मैं आपको बता दूं ये एब्डोमिनल कैविटी में होती है, उदर गुहा में होती है। अब आप कहोगे भैया कि हमें उदर गुहा समझ में नहीं आया, देखिए आपका चेस्ट वाला भाग जहां खत्म होता है वहां से स्टार्ट होता है साथियों ये एब्डोमिनल कैविटी वाला पार्ट, यानी कि सीने वाला भाग खत्म होता है तो आपका पेट वाला भाग स्टार्ट होता है, जहां पर आप स्टोमच यानी कि पेट के बारे में, छोटे हाथ के, बड़े हाथ के बारे में पढ़ते हो। तो साथियों छोटे हाथ से जुड़ा हुआ होता है भैया कौन, ये पेंक्रियाज, ये अग्नाशय। तो ये वाला जो भाग है साथियों एक्चुअली में जो कैविटी होती है, गुहा होती है, खाली जगह को कहा जाता है, यानी कि एब्डोमिनल कैविटी, यानी कि उदर गुहा, उदर कहा जाता है पेट को, पेट में जो खाली जगह है साथियों वो होती है एब्डोमिनल कैविटी। बात क्लियर, तो वहां पर होता है भैया ये, इतनी बात क्लियर है। ओके आगे बात करें साथियों तो ये एक मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि से क्यों कहा गया है साथियों, क्योंकि ये जूस का भी निर्माण करती है, ये एंजाइम का भी निर्माण करती है, ये हार्मोन का भी निर्माण करती है। और मैंने आपको पहले ही लेक्चर में पढ़ाया था साथियों कि ऐसी ग्रंथि जो साथियों हार्मोन का निर्माण करे वो अंतःस्रावी ग्रंथि है, ऐसी ग्रंथि साथियों जो जूस का और एंजाइम का निर्माण करे वो बहिःस्रावी ग्रंथि है, और ऐसी ग्रंथि साथियों जो जूस का, एंजाइम का और हार्मोन का, इन तीनों का निर्माण करे साथियों वो मिश्रित ग्रंथि है। और भैया ये जो पेंक्रियाज ग्लैंड है, ये जो अग्नाशय ग्रंथि है साथियों, जूस का भी निर्माण करती है, एंजाइम का भी निर्माण करती है और हार्मोन का भी निर्माण करती है। इतनी बात क्लियर है। इसकी संरचना साथियों पेड़ के पत्ते के समान होती है। मैंने आपसे कहा था कि जो आपके छोटी आंत होती है, छोटी आंत से साथियों पेड़ के पत्ते के समान एक संरचना दिखाई देती है आपको, उस पेड़ के पत्ते के समान जो संरचना है साथियों उसी को हम क्या कहते हैं, अग्नाशय ग्रंथि कहते हैं। इतनी बात क्लियर है। ओके इसका भार साथियों लगभग में 60 से 100 ग्राम के आसपास माना गया है। इतनी बात क्लियर है। ओके और बात करें साथियों कि इसकी खोज किसने की थी, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसकी खोज की थी लैंगरहैंस नामक एक वैज्ञानिक था, उसने की थी। देखिए आपका जो लैंगरहैंस होता है साथियों, सॉरी आपका जो अग्नाशय ग्रंथि होती है, इस अग्नाशय ग्रंथि में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। इन विभिन्न प्रकार के कोशिकाओं के समूह पाए जाते हैं, और साथियों इन विभिन्न प्रकार के कोशिकाओं के समूह को ही क्या कहा जाता है, लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहा जाता है। लैंगरहैंस साथियों वैज्ञानिक का नाम है, इसके नाम पर इन कोशिकाओं के समूह का नाम पड़ा है, लैंगरहैंस की दीपिकाएं। अब वो कौन कौन सी कोशिकाओं के समूह है साथियों, तो एल्फा, बीटा, डेल्टा और एफ सेल, इन कोशिकाओं के समूह है। गाइस ये सेलों की संख्या होती है लगभग में 1 से 2 मिलियन होती है, यानी कि बात करूं साथियों तो 20 लाख के अराउंड, यानी कि 20 लाख के आसपास होती है। गाइस जो पूरा पेंक्रियाज है आपका, पूरा जो अग्नाशय है, उस अग्नाशय का साथियों सिर्फ 2% भाग में ये कोशिकाएं पाई जाती है। इतनी बात क्लियर है। ओके
साथियों एल्फा सेल, बीटा सेल और जो डेल्टा सेल है साथियों ये भैया हार्मोन का निर्माण करती है, और जो एफ सेल है साथियों ये पेंक्रियाटिक जूस यानी कि अग्नाशय रस का निर्माण करती है, और इसी अग्नाशय रस में साथियों एंजाइम पाए जाते हैं, और हमारे शरीर में साथियों एक दिन में 1 लीटर के आसपास अग्नाशय रस का निर्माण होता है। इतनी बात क्लियर है? तो एफ सेल के बारे में साथियों पाचन तंत्र वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। इतनी बात क्लियर है? क्योंकि जूस और जो एंजाइम होता है ये भोजन के पाचन में सहायक होता है। इतनी बात क्लियर है? और साथियों ये रही बात इन कोशिकाओं की, एल्फा, बीटा और डेल्टा सेल की, इनसे हार्मोन का निर्माण होता है, तो इनके बारे में साथियों किस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे? इसी अंतःस्रावी तंत्र वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आशा करता हूं ये सारी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। इतना और याद रखना है साथियों आपको कि सर्वाधिक मात्रा में ये बीटा सेल पाई जाती है साथियों, लगभग 125 मिलियन ये अराउंड के आसपास ये बीटा सेल होती है। इतनी बात क्लियर है? ओके, तो अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। अब पढ़ते हैं हम बीटा सेल के बारे में। ले लिया भैया स्क्रीनशॉट? आशा करता हूं जो भी मैंने आपको बात बताई वो बात आपको समझ में आ गई होगी। आ गए भैया? गाइज मेरा नाम रवि है, मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूं। जो कंटेंट आपको पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता उससे अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराने की कोशिश करता हूं, इसलिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको 1 रुपए देने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। और गाइज अपने साथी है जो भैया कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनको बता दो भैया इस यूट्यूब चैनल पर फ्री अपकोस्ट बहुत अच्छे कंटेंट के साथ साथियों बायोलॉजी पढ़ाई जाती है जो आपके एग्जाम के लिए सफिशियंट है। इतनी बात क्लियर है? ओके, मिटा रहा हूं भैया, ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके जी, अब बात करते हैं साथियों सबसे पहले बीटा सेल के बारे में कि भैया बीटा सेल से कौन सा हार्मोन निकलता है। बीटा सेल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है साथियों, क्योंकि आपके लगभग लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए बीटा सेल को इम्पोर्टेंट कर लीजिए साथियों। देखो भैया ये रही आपकी बीटा सेल, ठीक है, चले भैया आगे। ओके, तो पहला पॉइंट आपको क्या लिखना है, ये लिखना है साथियों कि अग्नाशय में जो बीटा सेल है ये भैया सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। मैंने बताया ना साथियों कि ये सेल जो होती है ये 1 से 2 मिलियन में होती है, और उनमें से साथियों लगभग 125 मिलियन में कौन सी कोशिका होती है साथियों, तो आपकी बीटा सेल होती है। इतनी बात क्लियर है? ओके भैया, आगे बात करते हैं साथियों इससे कौन सा हार्मोन निकलता है, बात ये आती है। इससे निकलता है भैया इंसुलिन हार्मोन। इतनी बात क्लियर है? अब साथियों आपने सुना होगा कि ये जो इंसुलिन हार्मोन है इस इंसुलिन हार्मोन की कमी से एक कॉमन बीमारी होती है डायबिटीज, मधुमेह रोग होता रहता है। आपने बहुत बार सुना होगा कि इस इंसान को इंसुलिन के इंजेक्शन लगे हैं। तो भैया इंसुलिन से आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इंसुलिन की खोज किसने की थी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो भैया ये इंपॉर्टेंट है इंसुलिन, याद रखना आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंसुलिन हार्मोन किस कोशिका से बनता है, तो बीटा कोशिका से बनता है। कौन सी ग्रंथि बनाती है, तो पेंक्रियाज बनाती है, ये वाली। इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की थी, ये दो वैज्ञानिक थे, इंसुलिन की खोज किन दो वैज्ञानिकों ने की थी, बेंटिंग और बेस्ट, दोनों वैज्ञानिकों ने साथियों इंसुलिन की खोज की थी। और याद रखना इंसुलिन के निर्माण के लिए जो जिंक होता है ना साथियों, जिंक
जो खनिज तत्व है ये खनिज तत्व सहायक होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा खनिज तत्व साथियों इंसुलिन के निर्माण में सहायक होता है, तो जिंक होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, और साथियों ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे ही क्वेश्चन साथियों आपसे एग्जाम में पूछे गए। इतनी बात क्लियर है। मैंने क्या बताया कि अग्नाशय में बीटा कोशिका सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, लगभग में 100 मिलियन में होती है। इतनी बात क्लियर। कौन सा हार्मोन निकलता, तो इंसुलिन हार्मोन निकलता है। इंसुलिन की खोज बेंटिंग हुए बेस्ट नामक वैज्ञानिक ने की थी, बेंटिंग हुए बेस्ट ने की थी। और भैया इस बेंटिंग हुए बेस्ट को नोबल पुरस्कार दिया गया था, याद रखना यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। नोबल पुरस्कार दिया गया था भैया इन दोनों वैज्ञानिकों को, इंसुलिन की खोज के उपलक्ष्य में नोबल पुरस्कार दिया गया था, इसलिए आपसे प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। क्यों दिया गया था साथियों, तो अभी आपको सबको समझ में आ जाएगा 2 मिनट में। जिंक जो होता है साथियों वो इंसुलिन के निर्माण में सहायक होता है। अब बात आती है साथियों कि भैया इस इंसुलिन हार्मोन का कार्य क्या है। देखिए भैया कार्य समझते हैं, मैं एक बार स्लाइड चेंज कर देता हूं साथियों। देखो भैया हम बात कर रहे थे इंसुलिन हार्मोन की कि इंसुलिन हार्मोन का कार्य क्या है। आपके जो ब्लड होता है ना, तो मानव शरीर में उपस्थित रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। क्या करता है साथियों, नियंत्रित करता है। बोलो भैया। मैंने कहा हमारे शरीर में उपस्थित साथियों जो रक्त है, जो ब्लड है, जो खून है साथियों, उस खून में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करने का कार्य कौन कर रहा है भैया, इंसुलिन हार्मोन कर रहा है। शर्करा क्या होती है साथियों, ग्लूकोज। अरे भाई यही तो है, ग्लूकोज ही तो है शर्करा। देखिए आप साथियों कुछ भी खा लीजिए, चाहे आपने बाजरे की रोटी खाई है, गेहूं की रोटी खाई है, कुछ खिचड़ी खाई है, मिठाई खाई है, जूस पिया है साथियों, कोई चिकन खाया है, अंडा खाया है, कुछ भी खाया हो आपने, एक्स वाई जेड, आपके शरीर में साथियों फाइनली रूप में जो इकट्ठा होता है साथियों वो ग्लूकोज इकट्ठा होता है आपकी कोशिकाओं के पास। क्या इकट्ठा होता है, ग्लूकोज। और ये ग्लूकोज कोशिकाओं के पास किसकी सहायता से पहुंचता है, ब्लड की सहायता से पहुंचता है, सब कुछ पाचन के बाद। इतनी बात क्लियर है, ओके। तो देखिए ये इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, मानव शरीर में उपस्थित रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। शर्करा क्या है साथियों, ग्लूकोज है। क्या है, ग्लूकोज है। तो आपका जो ब्लड है साथियों, इस ब्लड में क्या है, शर्करा है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट क्या है, ग्लूकोज। इतनी बात क्लियर है। ये जो ग्लूकोज होता है साथियों, इस ग्लूकोज को जो इंसुलिन हार्मोन होता है, ध्यान से सुनना, समझ में नहीं आएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो ग्लूकोज होता है साथियों आपके ब्लड में, उसको ये इंसुलिन होता है साथियों, जब यह ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। कब कन्वर्ट करता है, जब साथियों आपके ब्लड में ये ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है तब। मान लीजिए आप कार्बोहाइड्रेट के स्रोत खाते जा रहे हो, मिठाई खा रहे हो, जूस खा रहे हो, तो भैया आपके ब्लड में क्या हो जाता है, ये ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, यानी कि शुगर की मात्रा, जिसे आप शर्करा कहते हो, शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। लेकिन आपको उतनी आवश्यकता है नहीं है साथियों। तो ये इंसुलिन हार्मोन क्या करता है भैया, इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। अब बात आती है साथियों कि ग्लाइकोजन क्या है, तो भैया ये स्टोर फूड है, हमारे शरीर का स्टोर फूड है। जैसे कि हमारे मकान में कोई सामान पड़ा हुआ है, अगर अधिक मात्रा में है तो हम क्या करते हैं, एक स्टोर रूम होता है तो स्टोर रूम में डाल देते हैं। ठीक उसी तरीके से साथियों जितना हमारे शरीर में ग्लूकोज की आवश्यकता है ऊर्जा बनाने के लिए, उतना तो हम यूज में ले लेते हैं। लेकिन अगर हमारे ब्लड में भैया ये ग्लूकोज की मात्रा अधिक है तो हम क्या करते हैं, इसे स्टोर रूम में भेज देते हैं। और स्टोर रूम क्या है, तो स्टोर रूम है साथियों आपका ग्लाइकोजन।
ये स्टोर फूड है, स्टोर रूम नहीं है, एक्चुअली में ये ग्लाइकोजन क्या है, स्टोर फूड है। अब बात आती है साथियों कि ये स्टोर फूड कहाँ जा करके इकट्ठा होता है हमारे शरीर में, तो भैया ये जा करके इकट्ठा होता है साथियों लीवर में, यकृत में, या फिर आप कह सकते हो कि एडिपोज टिश्यू में, एडिपोज टिश्यू में। देखिए एडिपोज टिश्यू को हिंदी में कहा जाता है वसीय ऊतक। वैसे तो साथियों ये वसा को स्टोर करता है, लेकिन आपातकालीन स्थिति में साथियों ये कभी कभी कार्बोहाइड्रेट को भी स्टोर कर लेता है। कार्बोहाइड्रेट क्या है साथियों, ये तो है ग्लूकोज जो ग्लाइकोजन के रूप में इकट्ठा हो रहा है साथियों, यही तो है शर्करा आपकी, तो भैया ये एडिपोज टिश्यू इसे भी इकट्ठा कर लेते हैं, किसे, इस ग्लाइकोजन को। और ये ग्लाइकोजन क्या है साथियों, स्टोर फूड है, संचित भोजन है, ये क्या है साथियों, संचित भोजन है, ऐसा भोजन साथियों जो भैया हमारे शरीर में इकट्ठा है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से जंतुओं का संचित भोज्य पदार्थ कौन सा है, तो भैया ग्लाइकोजन है। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि जंतुओं का संचित भोज्य पदार्थ कौन सा, इंपॉर्टेंट है लिख लेना, जंतुओं का संचित भोज्य पदार्थ कौन सा है, तो ग्लाइकोजन है, ठीक है। और अगर पादपों का संचित भोज्य पदार्थ पूछे तो कौन सा है, स्टार्च है, स्टार्च या मंड, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई, ओके भैया। तो इंसुलिन हार्मोन ने क्या किया साथियों, कि अगर हमारे ब्लड के पास साथियों शर्करा अधिक है, ग्लूकोज अधिक है, कब होगी साथियों, जितनी हमें आवश्यकता है उतनी तो हमने काम में ले ली, लेकिन अब अधिक मात्रा में बच गई साथियों, तो भैया इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। और ग्लाइकोजन क्या है साथियों, हमारे शरीर का स्टोर फूड है, यानी कि संचित भोजन है। अभी कहाँ जाकर के स्टोर होता है, तो भैया लीवर इसको स्टोर करता है। अगर लीवर के बाद में भी साथियों जो एडिपोज टिश्यू होता है उसमें जाकर के स्टोर हो जाता है, या फिर और बहुत सारे प्रकार के टिश्यू होते हैं साथियों उनमें जाकर के स्टोर होता है। जो एडिपोज टिश्यू है इसे हिंदी में वसीय ऊतक कहा जाता है साथियों, ये वसा को स्टोर करता है, लेकिन आपातकालीन स्थिति में साथियों इस ग्लाइकोजन को भी स्टोर कर लेता है। और ये ग्लाइकोजन क्या है, स्टोर फूड है, संचित भोजन है, जंतुओं का संचित भोज्य पदार्थ कहलाता है साथियों ग्लूकोज। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जंतुओं का संचित भोज्य पदार्थ कौन सा है, तो ग्लाइकोजन है। पादपों का संचित भोज्य पदार्थ कौन सा है, तो स्टार्च या मंड है। इतनी बात क्लियर है, ओके। तो इसकी बात समझ में आई, देखिए सीधा सा फंडा है साथियों कि आप जो कुछ भी खाते हो आपके शरीर में ग्लूकोज के रूप में जाकर के वो इकट्ठा होता है। इस ग्लूकोज को ब्लड की सहायता से कोशिकाओं के पास पहुंचाया जाता है, कोशिका को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता है, और साथियों किसका निर्माण किया जाता है, ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। लेकिन भैया इतना ग्लूकोज हमारे शरीर में बन गया कि हमें इतने की तो आवश्यकता ही नहीं है, और वो आपके अब ब्लड में है। तो भैया ये जो इंसुलिन हार्मोन होता है ये क्या करता है, जो अधिक मात्रा में आपके ब्लड के पास ग्लूकोज है, आपके ब्लड के पास शर्करा है, इस ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर देता है, ग्लाइकोजन के रूप में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। ग्लाइकोजन क्या है, स्टोर फूड है साथियों, यानी कि संचित भोजन है, जो एक्स्ट्रा अमाउंट में बना बचा है साथियों वो है। कहाँ जा करके स्टोर होता है, आपके लीवर के पास या एडिपोज टिश्यू के पास, वसीय ऊतकों के पास जाकर के स्टोर होता है। अब साथियों मान लीजिए किसी दिन हमने भोजन नहीं किया, किसी दिन साथियों हमने भोजन नहीं किया, साथियों में एनर्जी की तो आवश्यकता होगी, तो साथियों ये अधिक मात्रा में ये जो भोजन स्टोर है तो इसको हम काम में ले लेंगे, तो उसके बारे में हम अगले स्लाइड में पढ़ेंगे, यानी कि अगला जो एल्फा कोशिकाओं से जो हार्मोन निकलता है ग्लूकागोन हार्मोन, उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल आपको इतना याद रखना है, इतनी बात समझ में आ गई, ओके। अब मान लीजिए साथियों ये जो इंसुलिन हार्मोन है, ये जो इंसुलिन हार्मोन है, अगर इंसुलिन हार्मोन की साथियों कमी हो गई, अगर इस इंसुलिन हार्मोन की कमी हो गई साथियों, तो क्या आपके ब्लड में साथियों जो ग्लूकोज है इसकी मात्रा बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। इंसुलिन हार्मोन की कमी से साथियों ग्लूकोज की मात्रा आपके ब्लड में बढ़ जाती है।
अरे भैया मुझे ये बताओ, अगर इंसुलिन हार्मोन काम नहीं कर रहा है तो भैया आपके ब्लड में जो ग्लूकोज है, जो शर्करा है साथियों, जो अधिक अमाउंट में थी, क्या भैया वो भैया घटेगी क्या? वो ग्लाइकोजन में चेंज होगी क्या? नहीं भैया, अगर ग्लाइकोजन में चेंज नहीं होगी साथियों तो आपके ब्लड में जो ग्लूकोज की मात्रा है साथियों ये बढ़ जाएगी। आपके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी। अगर आपके ब्लड में साथियों ग्लूकोज की मात्रा, शर्करा की मात्रा बढ़ गई साथियों, तो उस बीमारी को कहा जाता है साथियों, क्या कहा जाता है उसे? कहा जाता है, पहले तो एक साइंटिफिक नेम है, वो है साथियों हाइपरग्लूसीमिया। और इसी का ही दूसरा नाम है साथियों डायबिटीज मेलिटस। इसे हिंदी में कहा जाता है मधुमेह रोग। ये होता है साथियों मधुमेह रोग। और अक्सर साथियों आजकल तो 5 साल के बच्चों में भी अक्सर देखने को मिल जाती है भैया ये मधुमेह बीमारी, शुगर वाली बीमारी। से आप शुगर कहते हो ना कि इसको तो शुगर हो गया, उसे तो इंसुलिन के इंजेक्शन लगे, ये है भैया देख लो ये बीमारी है वो। ये हाइपरग्लूसीमिया साथियों इसी मधुमेह रोग का दूसरा नाम है डायबिटीज मेलिटस का। बोलो समझ में आई? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों, ये जो मैंने लिखवा रखा है साथियों, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में, बहुत सारे क्वेश्चन, ना जाने साथियों कितने क्वेश्चन बनते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों, आप जितना चाहे उतना कम समझ लो। तो जो मैंने बात सिखाई है साथियों आपको समझनी पड़ेगी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार और रिवीजन करवाता हूं, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए किस तरीके से आपसे एक एक लाइन से क्वेश्चन बनते हैं साथियों, वो समझिए। देखिए भैया, जो अग्नाशय ग्रंथि है साथियों, हम अग्नाशय ग्रंथि में कौन सी कोशिका के बारे में पढ़ रहे हैं? बीटा सेल के बारे में पढ़ रहे हैं साथियों। बीटा सेल है वो अग्नाशय में बीटा सेल सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। मैंने कहा ना कि जो कोशिकाएं होती है साथियों जो अग्नाशय में पाई जाती है वो लगभग 1 से 2 मिलियन में होती है, तो लगभग 100 मिलियन में तो साथियों ये बीटा कोशिकाएं होती है। इतनी बात क्लियर? ओके, बात करें साथियों कि बीटा सेल जो होती है वो कौन से हार्मोन का निर्माण करती है। आपको पता है अल्फा, बीटा और डेल्टा, ये हार्मोन का निर्माण करती है। जो एफ सेल है साथियों वो जूस का निर्माण करती है। कौन से जूस का? पेंक्रियाटिक जूस का, अग्नाशय रस का, जिसमें एंजाइम पाए जाते हैं, उसके बारे में हम पाचन तंत्र में पढ़ते हैं। तो जो बीटा कोशिका है साथियों, वो बीटा कोशिका कौन से हार्मोन का निर्माण करती है? इंसुलिन हार्मोन का निर्माण करती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंसुलिन हार्मोन का निर्माण किस कोशिका से होता है, तो बीटा कोशिका से होता है। कौन सी ग्रंथि करती है? तो भैया पेंक्रियाज, अग्नाशय ग्रंथि करती है। इतनी बात क्लियर है साथियों। इंसुलिन की खोज की थी बेंटिंग में बेस्ट, दो वैज्ञानिक थे उन्होंने। अब आपको समझ में आ गया होगा मधुमेह रोग कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नोबेल पुरस्कार दिया था साथियों इन्होंने जब खोज की थी ना इंसुलिन की, सबसे पहले तब इसलिए दिया था। जो जिंक होता है साथियों वो इंसुलिन के निर्माण में सहायक होता है। इतनी बात क्लियर है? तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा खनिज तत्व, कौन सा मिनरल्स जो होता है साथियों वो इंसुलिन के निर्माण में सहायक होता है, तो जिंक होता है। इसका कार्य क्या है? तो मानव शरीर में उपस्थित जो रक्त होता है साथियों, जो ब्लड होता है, उसमें ग्लूकोज की मात्रा, उसमें शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करने का कार्य करता है। किस तरीके से करता है साथियों? फिर मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था कि हम कुछ भी खा लीजिए, मिठाई खाओ, सब्जी खाओ, रोटी खाओ, चावल खाओ, दाल खाओ, या फिर कोई जूस पियो, लास्ट एंड फाइनल आपके शरीर में साथियों ये जो खाना होता है ये ग्लूकोज के रूप में जाकर के इकट्ठा होता है। इस ग्लूकोज को ब्लड की सहायता से कोशिकाओं के पास पहुंचाया जाता है। कोशिका साथियों इस ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण करती है। इतनी बात क्लियर है? लेकिन क्या होता है, कभी कभी साथियों एक्सेस यानी कि अधिक मात्रा में क्या खा लेते हैं साथियों, जूस वूस पी लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट के स्रोत पी लेते हैं, जिससे कहने का मतलब जो ग्लूकोज है साथियों वो हमारे शरीर में अधिक हो जाता है। तो आपके ब्लड में साथियों अगर ये ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो गई साथियों, तो ये जो इंसुलिन हार्मोन है इस ग्लूकोज को अधिक मात्रा में, ये जो शर्करा है, जो ग्लूकोज है, इसे ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो गया। इस ग्लाइकोजन को स्टोर फूड कहा जाता है, हमारे शरीर का संचित भोजन कहा जाता है। तो आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से जंतुओं का संचित भोज्य पदार्थ कौन सा है, तो भैया ग्लाइकोजन है। अगर पादपों का संचित भोज्य पदार्थ पूछे तो स्टार्च या मंड है,
इतनी बात क्लियर है? ओके भैया, अब बात यह आती है कि ये ग्लाइकोजन कहाँ जाकर के स्टोर होता है, तो आपके लीवर में, यकृत में, एडिपोज टिश्यू में। एडिपोज टिश्यू को हिंदी में वसीय ऊतक कहा जाता है। वैसे तो साथियों वसा को स्टोर करने का कार्य करता है, लेकिन आपातकालीन स्थिति में साथियों कभी कभी ये किसे स्टोर करता है साथियों, इस ग्लाइकोजन को स्टोर करने का कार्य करता है। इतनी बात क्लियर है? बोलो कोई परेशानी नहीं। अब होता क्या है साथियों, इससे एक बीमारी होती है। मान लीजिए इंसुलिन हार्मोन काम करना बंद कर दिया, ये इंसुलिन हार्मोन बना ही नहीं आपके शरीर में, तो क्या होगा, आपके ब्लड में साथियों जो ग्लूकोज है, जो शुगर है साथियों, इसकी मात्रा बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ेगी? अगर भैया आप खाते जा रहे हो और अगर ये ग्लूकोज साथियों ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हुआ, तो आपके ब्लड में तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा ग्लूकोज, शुगर है जो, तो इंसुलिन हार्मोन की कमी से साथियों ग्लूकोज आपके ब्लड में बढ़ जाता है, जिससे आपको बीमारी होती है हाइपर ग्लूसीमिया या फिर डायबिटीज मेलिटस, जिसे आप मधुमेह रोग कहते हो। तो ये होता है साथियों इंसुलिन हार्मोन के कार्य। तो बीटा सेल समझ में आई? ओके भैया, अब ध्यान से सुनना, इसका संबंध किससे है साथियों? इसका संबंध है एल्फा कोशिका से। इंसुलिन हार्मोन का संबंध किससे है? एल्फा कोशिका से। ध्यान से सुनना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इंसुलिन ने क्या किया, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किया। ध्यान से सुनो, इंसुलिन ने क्या किया, इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किया। इंसुलिन हार्मोन ने क्या किया, इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किया। इतनी बात क्लियर है? ओके, मिटा दो भैया। ओके, एक एक इंपॉर्टेंट है साथियों, एक एक बात, एक एक लाइन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने थोड़ा सा भी मिस किया साथियों, तो भैया कहानी चेंज हो सकती है, कहानी बदल सकती है। आपकी एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं साथियों यहां से। इसलिए मेरे दोस्त, नजरें जमाए रखना, कभी भी खतरा हो सकता है, और खतरा हो गया तो फिर आप समझ ही सकते हो क्या क्या हो सकता है। देखिए, अब पढ़ते हैं साथियों एल्फा सेल के बारे में, ठीक है। एल्फा सेल से साथियों कौन सा हार्मोन निकलता है? इससे निकलता है साथियों ग्लूकागोन हार्मोन। अब ये ग्लूकागोन हार्मोन क्या करता है साथियों, इसका कार्य क्या है, उसको बताने से पहले साथियों मैं आपको एक चीज बताता हूं, किसके बारे में, बीटा सेल के बारे में। बीटा सेल साथियों किस हार्मोन का निर्माण करती है? अभी लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया, तो आप कहोगे भैया इंसुलिन हार्मोन का निर्माण करती है। और इंसुलिन क्या कर रहा था कि ब्लड में उपस्थित साथियों जो ग्लूकोज है, जो शर्करा है, इस अधिक मात्रा में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में ग्लाइकोजन में ये इंसुलिन हार्मोन कन्वर्ट कर रहा था। जब आपके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो साथियों, तो उसको किस में कन्वर्ट कर रहा था, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर रहा था। अब मान लीजिए साथियों हुआ क्या, आपने एक दिन खाना नहीं खाया। कभी कभी क्या करते हैं साथियों को, फास्ट व्रत रखते हैं साथियों, तब हम खाना नहीं खाते, लेकिन तब भी तो हमें शरीर में एनर्जी रहती है। वो एनर्जी कहाँ से आती है भैया? आपने खाना तो खाया ही नहीं, तब भी आपके शरीर में एनर्जी आती है ना साथियों, तो वो कहाँ से आती है भैया? ये जो ग्लूकोज है, आपको पता है कि ग्लूकोज को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा मिलती है हमें। तो साथियों ऊर्जा कहां से आई हमें? ग्लूकोज से ऊर्जा मिली। कहां से ऊर्जा मिली? ग्लूकोज से ऊर्जा मिली साथियों। तो भैया आपको पता है कि जो ग्लूकोज है साथियों आपके लीवर के पास, ये ग्लाइकोजन कहां जाकर के स्टोर होता है? आपके लीवर में जाकर के स्टोर होता है। लीवर और एडिपोज जो टिश्यू है साथियों, वहां पे जाके स्टोर होता है। तो लीवर के पास साथियों ग्लूकोज है, लेकिन किस रूप में है? वो ग्लाइकोजन के रूप में है। तो भैया ऊर्जा बनाने के लिए इस ग्लाइकोजन को साथियों वापस हमें किस में बदलना होगा? ग्लूकोज के रूप में बदलना होगा। तो चलो ठीक है, बदलते हैं। ये रहा आपका ग्लाइकोजन, और इस ग्लाइकोजन को साथियों में ऊर्जा बनाने के लिए किस में कन्वर्ट करना होगा? ग्लूकोज में कन्वर्ट करना होगा। कौन सा हार्मोन करता है साथियों? तो ये ग्लूकागोन हार्मोन करता है। ये ग्लूकागोन हार्मोन करता है। ग्लूकागोन हार्मोन करता है।
और साथियों तब जाकर के इस ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और साथियों ऊर्जा यानी कि एटीपी का निर्माण किया जाता है। हमारे शरीर में साथियों जो ऊर्जा बनती है वो एटीपी के रूप में बनती है। किस रूप में बनती है? एटीपी के रूप में बनती है। तो आपको ग्लूकागोन हार्मोन का कार्य समझ में आया? जो हमारे लीवर के पास, जो हमारे एडिपोज टिश्यू के पास साथियों जो ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में एकत्रित था, स्टोर फूड संचित भोजन के रूप में एकत्रित था साथियों, उस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में वापस किसने कन्वर्ट किया साथियों? इस ग्लूकागोन हार्मोन ने कंप्लीट किया या कन्वर्ट किया। इस ग्लूकागोन हार्मोन को साथियों, ग्लूकागोन हार्मोन को मैं नाम दे रहा हूं, इस ग्लाइकोजन को साथियों जो स्टोर फूड है साथियों, इसे भैया इस ग्लूकागोन हार्मोन ने किस में कन्वर्ट किया? ग्लूकोज में कन्वर्ट किया। और तब जाकर साथियों इस ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता है, हमारी कोशिकाओं के पास कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। हमारे शरीर में जो ऊर्जा बनती है वो एटीपी के रूप में बनती है। तो देखिए इंसुलिन हार्मोन क्या कर रहा है? इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर रहा है। और भाई साहब ये जो ग्लूकागोन हार्मोन है ये इस ग्लूकागोन को ग्लूकोज में वापस कन्वर्ट कर रहा है। दोनों में कंफ्यूज मत होना, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में इंसुलिन हार्मोन कन्वर्ट कर रहा है, ये जो ग्लूकागोन हार्मोन है साथियों ये ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये साथियों एक दूसरे के विपरीत कार्य कर रहे हैं भैया ये ग्लूकागोन हार्मोन और इंसुलिन हार्मोन। इसलिए साथियों इन दोनों हार्मोनों को इस ग्लूकागोन हार्मोन को और इंसुलिन हार्मोन को एक दूसरे के काउंटर एक्ट हार्मोन कहा गया, काउंटर एक्ट हार्मोन, विरोधाभास हार्मोन। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों निम्न में से कौन सा विरोधाभास हार्मोन का समूह है जो एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं? तो भैया एक समूह तो ये रहा, कौन सा? ग्लूकागोन हार्मोन और इंसुलिन हार्मोन, एक दूसरे के विपरीत कार्य करे। इंसुलिन हार्मोन क्या कर रहा है? इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में, और साथियों ये ग्लूकागोन हार्मोन क्या कर रहा है? इस ग्लाइकोजन को वापिस ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहा है। याद करो साथियों मैंने आपको पढ़ाया था थायराइड ग्रंथि और पैराथायराइड ग्रंथि। तो साथियों थायराइड ग्रंथि से कैल्सिटोनिन हार्मोन निकल रहा था, वो क्या कर रहा था? हड्डियों के पास साथियों जब कैल्शियम की कमी हो तब निकल रहा था, तो वो कैल्सिटोनिन हार्मोन क्या करता था साथियों? ब्लड के पास उपस्थित अधिक मात्रा में कैल्शियम को उठा करके कहां पे लेके आ रहा था? हड्डियों के पास लेके आ रहा था। लेकिन पैराथायराइड से साथियों एक हार्मोन निकलता है कोलिप्स हार्मोन, वो क्या कर रहा था साथियों? हड्डियों के पास कैल्शियम की मात्रा अधिक थी और ब्लड के पास कम थी, तो कोलिप्स हार्मोन क्या करता था साथियों? हड्डियों के पास उपस्थित कैल्शियम को उठा करके ब्लड के पास छोड़ करके आता था। तो एक दूसरे के विपरीत कार्य कर रहे थे। एक कंडीशन में साथियों हड्डियों के पास कैल्शियम कम था और दूसरे कंडीशन में हड्डियों के पास कैल्शियम अधिक था, एक दूसरे के विपरीत कार्य कर रहे हैं। तो उन दोनों हार्मोनों को भी साथियों ने क्या कहा? काउंटर एक्ट हार्मोन। और यहां पर भी साथियों ये जो इंसुलिन हार्मोन है, ये ग्लूकागोन हार्मोन है साथियों, ये एक दूसरे के विपरीत हार्मोन है, यानी कि एक दूसरे के विपरीत कार्य करने वाले हार्मोन है, इसलिए इन्हें काउंटरएक्ट हार्मोन या विरोधाभास हार्मोन कहा। अल्फा कोशिका से साथियों कौन सा हार्मोन बन रहा है? ये ग्लूकागोन हार्मोन बन रहा है। और बीटा कोशिका से साथियों ये इंसुलिन हार्मोन बन रहा है। बोलो एक दूसरे के विपरीत कार्य कर रहे हैं, इनका कार्य आपको समझ में आया या नहीं आया साथियों? सबसे पहले मुझे ये बताओ, अगर ये बात समझ में आ गई साथियों तो आपका एक नंबर पक्का है। कोई से भी कंपिटेटिव एग्जाम उठा के देख लेना, 100 में से 100% साथियों यहां से एक न एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया है। बोलो स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों, फटाफट ले लिया भैया? ओके। एक बात को और याद रखना साथियों, ये जो ग्लूकागोन हार्मोन है इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी साथियों किम्बेल व मुरलिन ने। दो वैज्ञानिक थे, किम्बेल व मुरलिन, इन्होंने साथियों ग्लूकागोन हार्मोन की खोज की थी। और इंसुलिन हार्मोन की बेंटिंग व बेस्ट नामक दो वैज्ञानिक थे साथियों, इन्होंने खोज की थी। कभी कभी आपसे अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो बोलो इंसुलिन हार्मोन का कार्य समझ में आया? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है साथियों, और ग्लूकागोन हार्मोन का कार्य समझ में आया? इस ग्लाइकोजन को साथियों वापिस किस में कन्वर्ट करता है? ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। बोलो कहानी समझ में आई या नहीं आई? दोनों एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं या नहीं करते? समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, दो बार बता चुका साथियों। अगर नहीं समझ में आया है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, या तो मैंने अलग से आपको पैंक्रियाज पढ़ा रखा है वहां जाके देख लीजिए, या फिर साथियों मैंने आपको दो बार समझाया अच्छे से समझ में आ ही गया होगा जहां तक है, जहां तक नहीं तो वीडियो को बैक करके देख लेना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा।
ठीक है। अब बात करते हैं साथियों डेल्टा सेल की। स्क्रीनशॉट ले लिया, ओके मिटा देता हूं। अल्फा सेल और बीटा सेल आपको समझ में आई? बोलो भैया। अगर समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है साथियों, यहां से आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक चीज को और याद रखना साथियों, डेल्टा सेल पढ़ाने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपकी बॉडी में शुगर लेवल क्या होना चाहिए। शुगर लेवल क्या होना चाहिए, देखिए अगर आप भूखे पेट हो, अगर आप भूखे पेट हो, आपने खाना नहीं खाया है, तो 70 से 80 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर ऑफ ब्लड, यानी कि एक डेसीलीटर ब्लड में आपका जो शुगर लेवल होना चाहिए साथियों, वो होना चाहिए 70 से 80 मिलीग्राम। अगर आपने खाना खा रखा है साथियों, खाने के बाद, तो आपका साथियों जो शुगर लेवल है वो होना चाहिए 180 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर ऑफ ब्लड। अगर इससे ज्यादा है साथियों, तो फिर आप समझ ही सकते हो मैंने आपको पढ़ाई दिया है कि क्या कौन सी बीमारी होगी और क्या होगा। खाने से पहले साथियों 70 से 80 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर ऑफ ब्लड, और खाने के बाद 180 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर ऑफ ब्लड। इतनी बात समझ में आ गई? ओके भैया मिटा दो। अब डेल्टा सेल के बारे में पढ़ते हैं। मेरे दोस्त अगर आपको पेंक्रिया समझ में आ गया तो समझ लेना आपको बहुत कुछ समझ में आ गया। इस चैप्टर का रामबाण है साथियों ये ग्रंथि। देखिए डेल्टा सेल, डेल्टा सेल से साथियों कौन सा हार्मोन निकलता है? आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि डेल्टा सेल से कौन सा हार्मोन निकलता है, तो डेल्टा सेल से साथियों हार्मोन निकलता है सोमेटोस्टेटिन। सोमेटोस्टेटिन हार्मोन, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है साथियों, इंग्लिश का टीचर नहीं हूं, बायोलॉजी का टीचर हूं। सोमेटोस्टेटिन हार्मोन, इतनी बात क्लियर है? ओके भैया। अब बात आती है साथियों कि सोमेटोस्टेटिन हार्मोन काम क्या करता है, तो भैया इसका कार्य है साथियों बीएमआर को रेगुलेट करने का कार्य करता है, या रेगुलेशन का कार्य करता है, संतुलित बनाए रखने का कार्य करता है। अब बीएमआर क्या है साथियों, तो देखिए बीएमआर की फुल फॉर्म होती है साथियों बेसल मेटाबॉलिक रेट, पहले भी पढ़ा चुका साथियों में, आधार उपापचयी दर, वह दर साथियों जो कोशिका ऊर्जा बनाने के लिए ऑक्सीजन को जिस दर के साथ कंज्यूम कर रही है, जिस दर के साथ उपभोग कर रही है, जिस दर के साथ खपत कर रही है, उस दर को कहा जाता है साथियों आधार उपापचयी दर। देखिए आप सभी को पता है साथियों कि आपकी जो सेल होती है, आपकी जो कोशिका होती है, उन कोशिकाओं के पास क्या होता है साथियों, ग्लूकोज होता है, C6H12O6 होता है, और इस ग्लूकोज को तोड़ने के लिए साथियों ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन क्या करता है साथियों, इस ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड, जल और साथियों एटीपी, हमारे शरीर में जो ऊर्जा बनती है साथियों वो एटीपी के रूप में बनती है, तो इस कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट कर देता है। इतनी बात क्लियर है? तो आपकी कोशिका ऊर्जा बनाने के लिए साथियों, ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन का किस दर के साथ खपत कर रही है, किस दर के साथ उपभोग कर रही है, किस दर के साथ कंज्यूम कर रही है, उस दर को कहा जाता है साथियों आधार उपापचय दर। तो ये सोमेटोस्टेटिन जो हार्मोन है साथियों, ये क्या करता है भैया, ये बीएमआर को संतुलित बनाए रखने का कार्य करता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट यानी कि आधार उपापचय दर को नियंत्रित करने का कार्य करता है। तो डेल्टा सेल आपको समझ में आई, T3 और T4 ने भी साथियों इस बीएमआर को नियंत्रित किया था, मैंने आपको बताया था। ठीक है, इतनी बात क्लियर? ओके, तो अग्नाशय ग्रंथि कहां होती है, कौन कौन सी कोशिका होती है, इसकी संरचना कैसी होती है, इसका बाहर कैसा होता है, इससे कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, उन हार्मोन का कार्य क्या है, अगर हार्मोन की कमी हो गई तो कौन सा रोग होगा, और अधिकता हो गई तो कौन सा रोग होगा, ये सारी बातों के बारे में साथी हमने इस चैप्टर में डिस्कस की।
तो आज हम यहीं तक रखते हैं, कल हम किसी नेक्स्ट ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे, तो लगभग 3-4 दिन में चैप्टर समाप्त हो जाएगा। उसके बाद में साथियों हम इसके एमसीक्यू की सीरीज करेंगे, उसके बाद में एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। साथियों मैंने ये जितनी भी ग्रंथियाँ हैं साथियों, इन ग्रंथियों के बारे में मैंने अलग अलग पर्सनल क्लास ले रखी है, तो आप जाइए वहाँ पर जाकर इन ग्रंथियों को पढ़ सकते हो। फिर दस साथियों आप ये चैप्टर पढ़ोगे तो आपको चैप्टर बिल्कुल ही आसान लगेगा, बहुत ही ज़्यादा आसान लगेगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।